ग्राम्य विकास संस्थान विगत 20 वर्षों से स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, जलागम एवं ग्रामीण स्वच्छता पर अनेक परियोजनाएं संचालित कर रहा है। उत्तराखंड प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के विकास में इन परियोजनाओं का अहम योगदान है। इसी क्रम में सन 2008 में गुणवत्ता युक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का निश्चय किया गया। शुरू में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों का विरोध, महिलाओं की ना के बराबर भागीदारी और स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ तालमेल बैठाना काफी चुनौतीपूर्ण था। परियोजना क्षेत्र में सामुदायिक बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों का उद्देश्य था लोगों को कार्यक्रम से जोड़ना, सामुदायिक परामर्शदाता की अवधारणा को स्थापित करना। पुरानी परियोजनाओं से अलग यह कार्यक्रम योजनाबद्ध तरीके से पुरुषों की भागीदारी सुनिश्चित करने में सफल रहा। गुणवत्ता युक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत दूर दराज क्षेत्रों में लोगों को परिवार नियोजन की जानकारी एवं सुविधाएं पहुंचाने के लिए साथी सचल कैंप की शुरुआत हुई। परिवार नियोजन जानकारी, परामर्श एवं सुविधाएं एक साथ एक जगह मुहैया कराने के कारण साथी सचल कैंप स्थानीय समुदाय में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। परिवार नियोजन विषय पर बेसलाइन सर्वेक्षण से शुरू कर सामुदायिक कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आशाओं को मोबाइल तकनीकी पर दिया गया प्रशिक्षण काफी कारगर रहा, जिसके द्वारा उनको सामुदायिक स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन में और आंकड़ों के प्रबंधन में काफी सुविधा हुई। क्षमता विकास की विभिन्न गतिविधियों पर आधारित यह कार्यक्रम बास्केट ऑफ चॉइस को लोगों के बीच में लोकप्रिय करने में काफी सफल हुआ। आम लोगों तक परिवार नियोजन के उद्देश्य और फायदे पहुंचाने के लिए IEC के अंतर्गत बनाई गई लघु फिल्में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई। इसमें सबसे रोचक था कि समुदाय को स्वयं ही शामिल करके फिल्में बनाई गईं, ताकि परिवार नियोजन के संदेशों को सीधे लोगों से जोड़ा जा सके। फिल्मों के साथ साथ रेडियो कार्यक्रम भी बनाए गए। इन रेडियो कार्यक्रम को मोबाइल तकनीकी द्वारा टॉक शो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। अस्पताल है हिमालय हॉस्पिटल, वहाँ पे बीना दीदी आती है, उनसे मैंने इंजेक्शन के बारे में सलाह ली और अभी तक मैं 2 इंजेक्शन लगवा चुकी हूँ। जो हिमालयन हॉस्पिटल है, इसमें एक ऑपरेटिव लगवाई थी, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। 1.5 साल तक रखी, इससे मेरे पति को भी कोई परेशानी नहीं हुई और इसलिए अब निकलाना चाह रही क्योंकि आगे एक बच्चा चाहती हूँ। एक बेटा है मेरा, वो 4 साल का। ये महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। मैं फिर ऋषिकेश हिमालयन हॉस्पिटल गया, वहाँ जाकर मैंने NSV करवाई।